किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार में हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है को तुमको मिलेगा इतना प्यार में हूं ना। ना 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 ला 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 वो हो हो वो हो हो वो हो हो किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार में हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है को यस बड़ी आ जाइए। नमस्ते, सत श्री अकाल एवरीवन, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का। मेरी बॉटल पड़ी है नीचे, ब्लैक वाली। यस पीपल, आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का, स्वागत स्वागत सुस्वागतम। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार में हूं ना। एक मिनट रुक जाओ, बस लिंक सेंड कर रहा हूं, फिर शुरू करते हैं। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है को तुमको मिलेगा इतना प्यार में हूं ना। यस, ये टीवी शुरू हो गया। यस पीपल, नमस्ते, आ जाओ जल्दी जल्दी, छेती छेती भैया, आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, जल्दी जल्दी आ जाओ काके। चलिए जी, सो मजा आएगा बहुत ज्यादा। ओके पीपल, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपकी तबीयत कैसी है, बच्चे पूछ रहे हैं। आई एम गुड नाउ, कल से बहुत बेटर है, आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, हल्की स्लाइट, मतलब बहुत कम है। कल से आई एम रिकवरी स्टेज पे, बट यस हो जाएगा जल्दी जल्दी, बस आप लोग की दुआ रही तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ओके बड़ी, सब कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है जिंदगी आप लोगों की? आई होप सो आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जिंदगी आपकी चल रही होगी सेक्सी। लेक्चर नहीं चल रही, टीवी नहीं चल रही, क्या रुको टीवी को चलाते हैं, एक मिनट रुकना जानी, टीवी को चला देते हैं। आओ बड़ी, कैसे हो बड़ी? यस, तो यस 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 यस, आ जाइए सभी लोग। आई एम वेरी एक्साइटेड वंस अगेन पीपल विथ यू ऑल, एंड आई होप सो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, मजा बहुत आएगा। चलिए जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं, पहले मैं आपको बता दूं, बेटा ये टीवी चालू कर देना यहाँ के। हाँ यस पीपल, सो आई होप सो आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम पता है क्या शुरू करने वाले हैं, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रॉपर सिलेबस। क्या शुरू करने वाले हैं? हमारा प्रॉपर सिलेबस। तो प्रॉपर सिलेबस शुरू करेंगे, मजा आएगा, एंड धमाल मचाएंगे, माहौल करेंगे थोड़ा सा, लेक्चर को चिल आउट रखेंगे, ज्यादा मूड एकदम फ्रेश रखेंगे आपका। देखो जिंदगी में लोड लेके कोई काम नहीं होता, ठीक है, कोई काम नहीं होता। पढ़ाई रिलैक्स होके होनी चाहिए तो ही होती है, अगर दिमाग में लोड लेके कभी पढ़ाई होती ना, जिंदगी में कभी नहीं होती वो, ठीक है। तो एकदम चिल मार के आराम आराम से मस्त 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 तरीके से पढ़ेंगे, और आप लोग अच्छे तरीके से सब कुछ कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। सो आ जाइए। सर, आई एम एग्जीक्यूटिव रिकॉर्डेड स्टूडेंट, सिर्फ लेक्चर लाइक करने आई थी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, आप सभी को सत श्री अकाल, आप सभी को सत श्री अकाल। कोई कहता है सोनिया मैडम कौन है, मुझे क्या पता साले, किसी का भी नाम लेके बोलते हो सोनिया मैडम कौन है, हैं बेचारे सर का नाम बदनाम कर दो तुम तो। चलिए आ जाइए। ओके, वैसे मेरी तबीयत कल से ठीक लग रही होगी आप सभी को, यस yes? कल से आई थिंक मेरी तबीयत तो आप सभी को ठीक लग रही होगी। थैंक यू सागर सर, आपने हमारा कैमरा ठीक किया। चलिए आ जाइए। ओके, अभी मजा आएगा ना बेड़ू, यस ना बेड़ू, आइए ना बेड़ू। चलिए ओके, सर फॉरेन में सीएस की वैल्यू है क्या? बिल्कुल, आजकल तो आईसीएसआई भैया टाइप ही टाइप कर रही है फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो 100% करेंगे, उसकी भी बातें करेंगे, बट यस
आपका स्कोप है, सीएस बनने के बाद फॉरेन में भी स्कोप है। तो यस पीपल, क्या करने वाले हैं शुरू, पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरी जान बनारस की पान हम लोग शुरू करने वाले हैं रिलेटिंग टू लॉ ऑफ टॉट्स। क्या शुरू करने वाले हैं जल्दी से बताओ, हम लोग शुरू करने वाले हैं मेरी दोस्त मेरी जान बनारस की पान हम लोग शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट्स। फिर से लो, क्या शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट्स, आवाज नहीं है, क्या शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉट्स। लॉ ऑफ टॉट्स के एक स्पेशल नोट्स मैं आपको सेंड करवाऊंगा, ठीक है, लॉ ऑफ टॉट के ना मैं आपको एक स्पेशल नोट सेंड कराऊंगा। मैं पूरा लॉ ऑफ टॉट एग्जीक्यूटिव के नोट से पढ़ाता हूँ, जिसमें एग्जीक्यूटिव का भी कवर हो जाता है, ईटी का तो पूरा कवर ही हो जाता है, वैसे है ही सेम, तो दिक्कत ही नहीं है दोनों में। तो आपको मैं स्पेशल नोट सेंड करवाऊंगा आज लॉ ऑफ टॉट्स के। चलिए तो आज हमें शुरू क्या करना है, स्क्रीन थोड़ी सी सही नहीं है, स्क्रीन को ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, एक मिनट रुकना जानी, एक मिनट रुकना जानी 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 जानी। यस, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों आज से लॉ ऑफ टॉट्स। क्या शुरू करने वाले हैं बडी, लॉ ऑफ टॉट्स, मजा आएगा बहुत भयंकर। आ जाइए शुरू करते हैं, ठीक है। ये सोमिल सर जैसा दिख रहा है ना, कि मेरे जैसा दिख रहा है, एनीवे ये अब्बर सर जैसी है, देखो नहीं ना, अब्बर सर हमारे क्यूट है यार, ये तो डेंजरस ही, मेरी वाइफ जैसी लग रही है। ओ सॉरी, अभी ध्यान देंगे, आ जाएगा, अभी ध्यान देंगे पीपल, आ जाइए ना, ध्यान देंगे बड़ी ना। देखो दो प्रकार के लॉ होते हैं, कितने प्रकार के लॉ होते हैं, दो, एक होते हैं सिविल लॉज। इसकी जय हो, चल क्यों नहीं रहा है, ला 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 ला, हाँ जी एक मिनट देना, ये चल क्यों नहीं रहा है यार, हाँ ये सब चलेगा, ओके। सो दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यस आ जाइए। सो यस, दो प्रकार के लॉ होते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे सभी लोग, दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, बोलिए कौन सा लॉ होता है, सिविल, फिर से बोलिए, एक लॉ कौन सा होता है, सिविल, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक कौन सा होता है, क्रिमिनल लॉ। तो दो प्रकार के लॉ होते हैं, अगर आप ध्यान से समझो या जानो तो दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है सिविल और एक कौन सा होता है, क्रिमिनल लॉ। अब दोनों में फर्क क्या है, सिविल और क्रिमिनल में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल, पहले तो ये समझते हैं कि सिविल क्या होता है और क्रिमिनल क्या होता है, ठीक है, चलो समझते हैं। पहले क्राइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्राइम, ठीक है। देखो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है क्राइम मतलब क्या, क्राइम मतलब क्या, एग्जैक्टली क्राइम मतलब क्या, देखो क्राइम एक ऐसी चीज है विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी, क्राइम एक ऐसी चीज है विच इज अगेंस्ट द सोसाइटी, बात समझो, क्राइम दोस्तों एक ऐसी चीज है दोस्तों, है ना, क्राइम एक ऐसी चीज है जो किसके अगेंस्ट होती है बेटे, सोसाइटी के अगेंस्ट। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे घर के बाजू में मर्डर हुआ तो मेरी भी फटेगी ना, अरे मेरी भी फटेगी ना, मेरा मर्डर हो गया तो, हाँ? अरे यस और नो, अरे सही बात है कि नहीं है। मेरे घर के पड़ोस में एक नई नई शादी हुई, एक नई पत्नी ने नए पति को मार दिया, मेरी नवंबर में शादी होने वाली है, मेरे को बताओ मेरी फटेगी नहीं फटेगी, डर लगेगा नहीं लगेगा बताओ, अरे लगेगा नहीं लगेगा। मार्केट में खबर आई कि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने देखा कि पत्नी ने दो फेरे करके पति को बोला तेरे से शादी नहीं कर सकती, तू बड़ा काला है। दो फेरे, कितने फेरे करी, दो, दो फेरे कर ली, दो फेरे बाद पत्नी ने बोली मैं नहीं कर सकती तेरे से शादी, तू बड़ा काला है। भाई मेरे भी तो डर लगेगा मेरे को, हम एनीवे चलो ठीक है, भगवान की दुआ से वो नहीं है, बट फिर भी मेरे को भाई उसने बोल दी तो है, तेरे हेयर स्टाइल सही नहीं है, मैं नहीं कर रही एक फेरे के बाद, तो मेरे को भी डर लगेगा। अब देखो बात समझना, ऐसी चीज जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, बोलो किसके अगेंस्ट हो, सोसाइटी के अगेंस्ट, ऐसी चीज जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जैसे कि यहाँ पे होते हैं मर्डर, क्या होते हैं बेटा, मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, ठीक है ना, ये सब क्रिमिनल लॉ में आते हैं, क्राइम है ये हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है, किसके अगेंस्ट माना जाता है, सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। लाइक अगर मर्डर होता है तो वो किसी एक के खिलाफ नहीं है, माना जाता है वो भैया उसमें सबका नुकसान हुआ है, ऐसा मानते हैं पूरी सोसाइटी के साथ आपने गलत किया है। आप चोरी करते हैं तो ये नहीं मानते किसी एक की घर चोरी हुई है, मानते हैं सबके घर, मतलब सबके साथ गलत हुआ है माना जाता है। क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, याद रखना क्राइम इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, क्राइम जो होता है वो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, फिर से बताइए, क्राइम जो होता है वो सोसाइटी का अगेंस्ट होता है, याद रखना क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट द सोसाइटी, जो करता है उसे हम कहते हैं क्रिमिनल, क्या कहते हैं उसे, क्रिमिनल, बोलिए हाँ या ना, अरे यस और नो, बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, न्यूज़पेपर में क्राइम की खबरें छपती है ज्यादा,
मर्डर हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गया, रेप हो गया, ठीक है यार। सीधी सी बात है ना यार, क्राइम से ऐसी चीज है, क्राइम जिससे सबकी फटनी है, बराबर है कि नहीं है यार। एक लड़की का रेप हुआ तो सारी बहनें डरती है हमारी, अरे बोलो हाँ या ना, सीधी सी बात है नहीं है। तो भाई क्राइम इज ऑलवेज अगेंस्ट सोसाइटी। वहीं बात करें सिविल लॉ की, तो इसमें ना सबको फर्क नहीं पड़ता। सिविल लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें सबको फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा। दिशा पटानी ने मेरे से शादी का कॉन्ट्रैक्ट की थी, किसने? दिशा पटानी। ये बात सत्य घटना है, ऐसा सोचो, मान लो ऐसा कि सत्य है, ठीक है, देना मेरी फेवरेट है वो, ठीक है। सो दिशा पटानी ने मेरे से शादी का कॉन्ट्रैक्ट की थी, किसी ने बोला ना चेहरा देख के आईने में मैं तो मारूंगा बेटा, ठीक है ना जी। तो दिशा पटानी ने मेरे से काय का कॉन्ट्रैक्ट की थी? शादी का। अब तोड़ दी, ठीक है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दी उसने। तो इससे मेरे को बताओ दुख किसको होगा, पूरे दुनिया जहान को कि सिर्फ मेरे को? अब दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है, दुनिया को ठुल्लू फर्क पड़ रहा है, हंसेंगे उल्टा, हे छोड़ के भाग गई, ठीक है, हंसती है दुनिया भाई ऐसे केस में। तो भाई ऐसा केस जहां पे सिर्फ आपको अफेक्ट होना है, पूरी दुनिया को ठुल्लू फर्क नहीं पड़ता, तो वह सिविल केस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का वादा करके किसी ने तोड़ दिया, सिविल केस है। प्रॉपर्टी के मामले सिविल केस है, प्रॉपर्टी के मामले भी कौन से हैं? सिविल केस है, ठीक है। शादी का वादा करके तोड़ दिया, सिविल केस है। प्रॉपर्टी के मामले सिविल केस है, बात समझ रहे हैं? तो सिविल केस में सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा, पूरी दुनिया जहान को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम सीएस एग्जीक्यूटिव में सिविल लॉज भी पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉज भी पढ़ते हैं, किसमें बेटे? सीएस एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, सीएस एग्जीक्यूटिव में, है ना जी, सीएस एग्जीक्यूटिव में दोस्तों हम दोनों लॉज पढ़ते हैं। कौन कौन से? सिविल लॉज भी पढ़ते हैं और क्रिमिनल लॉज भी पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे हमें एक सिविल लॉ दिया हुआ है, वो है लॉ ऑफ टॉर्ट, एक, बाकी हमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही सिविल लॉ दिया है, वो कौन सा है? लॉ ऑफ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट एक सिविल सिविल है, सिविल लॉ है। कौन सा लॉ है बोलो? सिविल, क्रिमिनल नहीं है। कौन सा बेटे? सिविल। क्राइम की बातें हम एग्जीक्यूटिव में करेंगे, किसमें करेंगे बेटे? एग्जीक्यूटिव। हमें सीएसईटी में क्राइम क्राइम, तुम छोटे बच्चे हो, आईसीएसआई कहती है तुमको अभी क्राइम व्राइम नहीं सिखाएंगे, क्राइम कब सिखाएंगे? जब थोड़े बड़े हो जाओगे अगले साल, एग्जीक्यूटिव में। अभी हम सब सिविल सिविल की प्यारी प्यारी मस्त मस्त बातें करेंगे लॉ ऑफ टॉट की, ठीक है भाई। सो हम लोग लॉ ऑफ टॉट की बातें करेंगे, मजा आएगा। लॉ ऑफ टॉट है क्या एग्जैक्टली समझते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ टॉट है क्या एग्जैक्टली समझते हैं। मैं जब छोटा था ना, थोड़ा सा चबी था मैं, मोटा था थोड़ा सा मैं, सीरियसली। तो मेरे घर के बाजू में एक आंटी है पड़ोस में, वो क्या करती थी, मेरे को बुलाती थी और खींचती थी, ऐसा वैसा मत समझो, गाल जोर जोर के, जोर जोर के बुलाती थी। गोल मटोल सा था मैं, लाल करके छोड़ती थी पूरा, ए मिला गोलू उंगलू नोलू चोलू करके पूरा गाल की मां बहन कर देती थी मेरे, बहुत खींचती थी बहुत। उस समय मेरे को पता नहीं था कि ऐसा कोई कानून है, अब मैंने पढ़ा ना जब, तो पता चला लॉ ऑफ टॉट नाम का एक कानून है। किस नाम का? लॉ ऑफ टॉट। देखो लॉ ऑफ टॉट क्यों आया मैं बताता हूँ। भैया आपने किसी को पत्थर से मारा, इसकी जेल है। आपने किसी को जान से मारा, इसकी जेल है। आपने बड़ा कोई गुनाह कर दिया, चोरी कर ली, डकैती कर ली, इसके इसके ऑफेंसेस हैं। लेकिन छोटे मोटे केसेस का कोई होता ही नहीं था पहले, पहले कुछ होता ही नहीं, सरकार ने कुछ बताया नहीं कि किसी ने तुम्हारी कॉलर पकड़ लिया तो क्या करना है, किसी ने तुम्हारे में पानी फेंक दिया तो क्या करना है। मैं बैठ रहा था, किसी ने चेयर खींच लिया, लग गया ना भाई, आए हाँ या ना, बैठने में तकलीफ हो रही है मेरे को। तो ये छोटे मोटे ऑफेंस में क्या करना है, सरकार ने कुछ बोला ही नहीं, सरकार कुछ बता ही नहीं रही है कि छोटे मोटे ऑफेंस में क्या करना है। सरकार ने लॉ ही नहीं बनाया इस पे कि किसी ने तुम्हारे पे पानी फेंका, स्विमिंग पूल पे धक्का मार दिया, किसी ने वो होली में गुब्बारा पानी का तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारा, किसी ने जबरदस्ती रंग लगा दिया, इसके इसमें क्या होगा, इसमें कौन सी सजा है? किसने गाल खींचे, चिमटी मारी, नोचा, काटा। मेरी बहन है ना, एक बड़ी शैतान औरत है वो, कई बार मैं गाड़ी चलाता हूँ पीछे बैठी काट देती है वो, इधर वहां कसम बता रहा हूं, काट देती है। तो ये इसमें सजा कौन सी होगी? इसने सरकार ने इस पे लॉ ही नहीं बनाई, इस पे सरकार ने लॉ ही नहीं बनाई। तो इस पे लॉ पता है किसने बनाया? कोर्ट ने। किसने बनाया बेटे? कोर्ट। और नाम दिया लॉ ऑफ टॉट्स। क्या नाम दिया बेटे? लॉ ऑफ टॉट। ये लॉ ऑफ टॉट कोई बड़े बड़े गुनाह की बात नहीं करेगा, छोटा मोटा धक्का मार दिया, डरा दिया किसी को, किसी को कुछ ऐसा दिखा दिया जिसको देख के वो बेहोश हो गया। तुम क्या सोच रहे हो बेटा? तो लॉ ऑफ टॉट ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ टॉट जो है बेटे, ये बहुत बड़े बड़े गुनाह की बात नहीं करने वाला है, छोटे मोटे। पानी का गुब्बारा किसी पे मार दिया, किसी का जबरदस्ती का नाम खराब कर दिया, किसी के घर जबरदस्ती घुस गए, मैं अपनी एक्स के सामने डीजे लेके चला गया और गाने लगा, बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, मैं दुआई
मैं गाने गाने लग गया, पूरी सोसाइटी की नींद खराब कर दिया रात के 2:30 बजे। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें जो हैं ऑफेंसेस हैं, किसी को परेशान करना, किसी को धक्का मारना, है ना, ये सारी चीजें किस में पढ़ने वाले हम? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बोलो ये सब किस में पढ़ने वाले हम लोग? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। बोलो हाँ या ना यार, यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना दोस्तों। चलिए आंचल पुरोहित कहती है हमें आंटी का नाम पता है, आंटी है पिंकी आंटी। चलिए वंडरफुल बडीज, वंडरफुल बडीज। ओके आ जाइए, अपने सर हैंडसम है, आपके आपका साथ कोई नहीं छोड़ सकता एक्सेप्ट निधि। सालो पुरानी यादें ताजा मत कराओ मेरी। चलिए एनीवे ना ध्यान देंगे, तो चलिए लॉ ऑफ टॉट को थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, मजा आएगा। लॉ ऑफ टॉट जैसे कि आप देख रहे हैं, लड़की ने लड़के को गिरा दिया धक्का मार के, क्या ये भी लॉ ऑफ टॉट है? मतलब ये भी टॉट है? यस ये भी टॉट है। टॉट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा, ओवरऑल इट विल बी फन दोस्तों, ठीक है। लॉ ऑफ टॉट में क्या क्या चीजें आएगी बेसिकली आप समझ चुके हो, बेसिकली आप समझ चुके हो। किसी को चिमटी मारना भी टॉट है, गुस्से में टच करना भी टॉट है, किसी की दाढ़ी खींचना, बाल नोचना, काटना। कोई बैठ रहा था मेरा दोस्त, एक बार हमने पेंसिल रख दी थी नीचे, बैठ रहा था वो, हमने क्या रख दी थी नीचे? नुकीली पेंसिल। बेचारे को बहुत दर्द हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी टॉट है, ऐसी छोटी छोटी सी किस में आती है भैया टॉट? ये सब किस में आते हैं बताइए? टॉट में। अरे बोलो हाँ या ना। अरे यस, केक लगाया किसी के चेहरे पे बर्थडे पे? केक लगाया ना चेहरे पे, दोस्तों के चेहरे पे? अरे सर फेवरेट काम है सर हमारा, सर बर्थडे पे केक खाने के लिए कौन लाता है? लगाने के लिए लाते हैं सर। तो वो जो केक आप किसी के चेहरे पे लगाते हैं, ये भी टॉर्ट है, जानते हो आप? ये भी टॉर्ट है। टॉर्ट में कितनी सजा होती है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग, मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉर्ट में बताओ, बड़े बड़े गुनाह आएंगे कि छोटी छोटी चीजें आने वाली है? छोटी छोटी चीजें, बहुत कुछ नहीं। कॉलर पकड़ लिया, धक्का मार दिया, किसी को नोच दिया, डरा दिया, काट दिया, ये सब छोटा छोटा आएगा, बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं आना है। चलिए लॉ ऑफ टॉर्ट मजा आएगा। एनीवे शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉर्ट ये एक फ्रेंच वर्ड है, बोलो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच, ठीक है। कौन सा वर्ड है बोलिए? फ्रेंच, ठीक है। टॉट एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। टॉट एक फ्रेंच वर्ड है, अरे बोलो हाँ या ना। टॉट कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। फिर सुनो, टॉट कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। इंग्लिश में टॉट को रॉन्ग कहते हैं, बोलो इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉन्ग। फिर से बोलो, आवाज नहीं आई, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉन्ग। इंग्लिश में रॉन्ग कहते हैं, ठीक है ना। कोई कहता है किसी पे कमेंट करना टॉट है, देखो किसी को परेशान करना डेफिनेटली टॉट है, किसी का नाम खराब करना भी टॉट में आएगा, आगे आगे डिटेल में आप सीखोगे क्या है। टॉट एक फ्रेंच वर्ड है, बोलो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। अबे रशियन नहीं है, फ्रेंच है, नहीं तो पता नहीं कहां पहुंच गए तुम, ठीक है। टॉट एक फ्रेंच वर्ड है, बोलो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच। इंग्लिश में इसको रॉन्ग कहते हैं, बोलो इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉन्ग। डिराइव ये हुआ था लैटिन वर्ड से, डिराइव कहां से हुआ था? लैटिन वर्ड से। आया कहां से? तो लैटिन में इसको कहते थे टॉटम, बोलो लैटिन में क्या कहते थे? टॉटम। बोलो क्या कहते थे? टॉटम। फिर से बोलो क्या कहते थे? टॉटम। फिर से बोलो क्या है? टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम, ठीक है। मेरे साथ बोलना है गा के, ठीक है। घर में आज पता चल जाना चाहिए तुम्हारी पढ़ाई शुरू हो गई है, और यहाँ पे भी क्लास में जो लोग बैठे हैं पता चल जाना चाहिए आजू बाजू वालों को तुम पढ़ रहे हो। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, गला चीख चीख के, टॉन्सिल हो जाने चाहिए, गला खराब हो जाना चाहिए, इतनी जोर से चिल्लाना है मेरे साथ। जो घर बैठे हैं बेटा आतंक मचा दो, घर में बता दो आज पढ़ाई शुरू हो गई है, मेरे साथ बोलना है। बोलो टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम, है ना। टोनी कक्कड़ से अच्छा गाना है, टोनी कक्कड़ के गानों से। वो कैसे गाने बनाते हैं? कांटा लगा उइमा 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 उइमा, ये भी भला कोई गाना होता है? इस सच्चा तो गाना ये है। बोलो फिर से, बोलो जल्दी से बोलो, क्या? टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम। वंस मोर, कम ऑन पीपल, बोलिए। टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम। वंस मोर पीपल, फिर से बोलेंगे, कम ऑन एवरीवन, बोलिए। Tort is a French word, English में इसको कहते हैं wrong, derive हुआ था Latin word से, नाम है इसका totem। बचपन में गाते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है ना, बस वैसे ही याद करना है और क्या। जल्दी से बोलेंगे, come on everyone। चलिए एक और बार फिर से, क्या बोलिए?
What is a French word? English में इसको कहते हैं wrong. Derive हुआ था Latin word से, नाम है इसका totem. Come on people, once more. Tort is a French word. English में इसको कहते हैं wrong. Derive हुआ था Latin word से, नाम है इसका totem. अरे बोलो हाँ या ना, बोलिए yes or no. सर कभी हम पे भी तरस खा लिया करो, हमारे लेक्चर्स कब लोगे? बेटा मेरी तबीयत खराब थी, कल से मैं पूरे लेक्चर शुरू कर दूंगा. डोंट वरी, सिर्फ आज ईटी का ले रहा हूँ, कल से सारे लेक्चर मेरे जो है शुरू कर दूंगा. सिर्फ दो दिन मेरी तबीयत खराब थी, कल और आज मैं लेक्चर नहीं ले पाया, बाकी कोई भी, बट सिर्फ ईटी वालों के ले रहा हूँ क्योंकि नई बैच शुरू हुई थी, लेना जरूरी था. एनीवे नो, ध्यान देंगे. चलिए, आज मम्मा ने पूछा कि बेटा कैसी चल रही पढ़ाई. मम्मा बोलना, मम्मा टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम. गर्लफ्रेंड पूछेगी हाय आज क्या पढ़ा तुमने, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम. पापा बोलेंगे बेटा हाउ आर यू, पापा टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम. आज कोई भी कुछ भी पूछ ले, बस एक चीज बोलनी है, क्या? Tort is a French word, English में इसको कहते हैं wrong, derive हुआ था Latin word से, नाम है इसका totem. In Snapchat पे story भी वही लगानी है, Insta पे भी वही story लगानी है. आज snap भेजोगे तो यही भेजना, ठीक है? ये तस्वीर भेज देना या मेरी तस्वीर भेज देना, ये बोलते हुए tort is a French word, English में इसको कहते हैं wrong, derive हुआ था Latin word से, नाम है इसका totem. अरे बोल हाँ या ना, अरे yes or no. आज उसको आई लव यू का जवाब भी लव यू टू मत देना. बोला tort is a French word, English में इसको कहते हैं wrong, derive हुआ था Latin word से, नाम है इसका totem. फोन कट. चलिए एनीवे, सो यस, टॉट कौन सा वर्ड है, जल्दी से बोलिए. टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम. इज दैट इजी पीपल, समझ में आ रहा है क्या पब्लिक? चलिए वंडरफुल पीपल. अच्छा, टॉट मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ये इसका मतलब होता है रॉन्ग. देखो कुछ भी गलत करना टॉट है, कुछ भी गलत कार्य करना टॉट है, ठीक है? मैंने न, मेरी मम्मा ने मेरे को बेलन फेंक के मारा. क्या फेंक के मारा? बेलन. नहाने नहीं जा रहा था सुबह, टीवी देख रहा था बिना नहाए, बेलन फेंक के मारा, बट से हेडशॉट, ठीक है? सो ये क्या है? टॉट है, नहीं है बताओ? अरे है, नहीं है, है कि नहीं है बताओ? है ना टॉट? अरे बोलो यस और नो, पक्की बात है क्या? पक्का टॉट है, 100% श्योर हो एकदम पक्का? चलिए, एक बार अब्बड़ सर है ना, उनकी वाइफ नहाने गई थी बाथरूम में, अब्बर सर ने क्या किया, दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया, 2 घंटा भूल गए खोलना, लॉक करके फोन पे बात करने लगे, बीवी को दरवाजा ही खोलना भूल गए. और उनका घर था, मतलब मान लो बीवी चिल्ला रही है, फोन नहीं है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, और रो रहे हैं, इनको पता ही नहीं, होश ही नहीं है इनको कुछ, मतलब लॉक लगा के भूल गए. क्या ये टॉट है? यस, ये भी टॉट है. ना चीजों को रॉन्ग, टॉट मतलब गलत करना, कुछ भी गलत कार्य हो जाए, फिर वो जाने में हो अनजाने में हो, टॉट में वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? टॉट में वो टॉट होता है, बस बात खत्म होगी. टॉट मतलब होता है रॉन्ग. बोलो टॉट मतलब क्या होता है, फिर से तो, टॉट मतलब क्या होता है? अरे टॉट मतलब क्या होता है, हाँ या ना? हमारा दोस्त है, एक बार हम लोग सब लोग जब गए हुए थे ना घूमने, तो क्या हुआ कि उसके कपड़े चुरा लिए सारे हमने, चुरा लिए मतलब छुपा लिए बेचारे के, है ना? मतलब सब कुछ, टॉवेल चड्डी सब सब छुपा दिए. वो नहाने चला गया, अब वो बेचारा चिल्ला रहा है भाई टॉवेल ला दो, भाई ये ला दो, वो ला दो. आधे घंटे तक तरसाया अपने, कितने घंटे? कम से कम आधे घंटे तक तरसाया बेचारे को. तो ये भी क्या है? टॉट है. देखो टॉट स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया, टॉट मतलब रॉन्ग है किसी प्रकार का. वो सब हम सीखेंगे, इसमें सजा क्या है क्या नहीं है सब पढ़ेंगे, बट टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको रॉन्ग कहते हैं. ड्राइव लैटिन वर्ड से हुआ था, लैटिन में इसको कहते थे टॉटम. टॉटम का मतलब होता था टू ट्विस्ट. टॉटम का मतलब क्या होता था? टू, फिर से बोलो, टॉटम मतलब क्या होता था? टू ट्विस्ट. टॉटम मतलब होता था टू ट्विस्ट. फिर से बोलो, टॉटम मतलब क्या होता था? टू ट्विस्ट. अरे बोलो हाँ या ना, अरे यस और नो. आंचल पुरोहित कहती है सर आई लव यू प्लीज रिप्लाई मी विथ यू एटीट्यूड. आपने ही बोला था कि देयर शुड बी यू एटीट्यूड. आंचल बेटा पढ़ाई कर ले, तेरा ईटी हो गया ना बेटा, अब एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे बेटा, आओ बेटा दूसरे को पढ़ने दे आंचल बेटा. चलिए अच्छा, टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग? टेल मी, टॉट एक सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग है? टेल मी डूड. सो टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. टॉट क्या है डूड? सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग है टॉट, क्रिमिनल नहीं है ना जी, ना क्रिमिनल नहीं है जी. टॉट कौन सा रॉन्ग है फिर से बताइए? टॉट इज अ सिविल रॉन्ग. बोलिए कौन सा रॉन्ग है? टॉट सिविल रॉन्ग. टॉट एक सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है. टॉट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है. फिर से बोलिए, सिविल मतलब ये भाई ऐसा नहीं है कि मेरे को बताओ अगर कोई मेरे को चिमटी मारता है पूरी दुनिया जहान को फर्क पड़ेगा? नहीं,
है ना। अभी मान लीजिए से फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में ऑनलाइन स्टूडेंट है सोनाली, सोनाली राजपूत। इसकी हॉबी है जो भी कोई मोटा देखती है ना उसको गुदगुदी कर देती है, इसके हाथ अपने चल जाते हैं अपने आप उनके पेट में, ये गुदगुदी करती है उनको, क्या करती है गुदगुदी। अंकल से, एक मोटे से अंकल जा रहे थे रस्ते से, अब इसको मोटा पेट देख के रहा नहीं गया सनोली को, क्या राजपूत जी को, ये चली गई अंकल को गुदगुदी करती। अंकल बेचारे गिर गए नाली में, साइड में बेचारे वो गिर गए वहीं पे। ये बेचारी तब भी नहीं रुकी, वहां पे भी जाके गुदगुदी कर रही थी। अब मेरे को बताओ इसने क्या करी है, टॉर्ट करी है, क्या करी है बताइए, टॉर्ट। अब इसमें ये क्रिमिनल रॉन्ग में आता है कि सिविल, सिविल सिविल रॉन्ग। अच्छा आपको एक बात बता देता हूँ सभी को, टॉर्ट करने से कभी जेल नहीं होती, टॉर्ट करने से कभी जेल नहीं होती, टॉर्ट में हमेशा सिर्फ डैमेजेस देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं, डैमेजेस, याद रखना। टॉर्ट करने से कभी आपको जेल नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको जेल हो गई टॉर्ट करने से, हमेशा पैसा देना पड़ेगा जिसने टॉर्ट किया, क्या देना पड़ेगा बेटे, पैसा। जेल नहीं होती कभी, याद रखना। किसी पर जितने पानी के गुब्बारे फेंक दो, स्विमिंग पूल में धक्का मार दो, चिमटी दे दो, किसी को गुस्से में टच कर दो, बैठ रहा था कुर्सी खींच दो, कॉलर पकड़ लो, इससे कभी क्या नहीं होनी है, जेल। ये छोटे मोटे मामले हैं, इसमें सिर्फ पैसे देने पड़ते हैं। बोलो क्या देने पड़ते हैं बाबू, पैसे। इसमें पैसे देने पड़ते हैं, फिर से तो क्या देने पड़ते हैं इसमें, पैसे। ठीक है, नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा, टेंशन मत लो, ये अपने नोट्स है मैं आपको सेंड करूंगा, चिंता ना करो आप, मैं करवा दूंगा ना बाबू, नोट्स की इतनी परवाह करते हैं, करवा दूंगा ना मेरी जान, पढ़ ले अभी आ जाओ। सो टॉट एक सिविल रॉन्ग है, बोलो क्या है लॉ, टॉट एक सिविल रॉन्ग, बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो, अरे हाँ या ना, पक्का क्लियर है, समझ में आ रहा है, पक्की बात है। अच्छा ठीक है, टॉट को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे बट अभी समझना, ठीक है, सारे मेरे साथ समझना। देखो जब भी कोई व्यक्ति टॉर्ट करेगा तो उसको देने पड़ेंगे डैमेजेस, बोलो क्या देने पड़ेंगे, डैमेजेस। फिर से बोलो, जब भी कोई व्यक्ति टॉर्ट करेगा तो उसे क्या देने पड़ेंगे, डैमेजेस। अब डैमेजेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिक्विडेटेड, एक होता है अनलिक्विडेटेड। बोलो डैमेजेस कितने प्रकार के होते हैं, दो, आवाज नहीं है, डैमेजेस कितने प्रकार के होते हैं, फिर से बोलो डैमेजेस कितने प्रकार के होते हैं, डैमेजेस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लिक्विडेटेड, एक अनलिक्विडेटेड। एक कौन से होते हैं, लिक्विडेटेड, एक कौन से होते हैं, अनलिक्विडेटेड। फिर सुनो, एक कौन से होते हैं, लिक्विडेटेड, एक कौन से होते हैं, अनलिक्विडेटेड। समझते हैं लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड में क्या फर्क है, समझते हैं एकदम प्यार मोहब्बत से समझते हैं, ठीक है, लिक्विडेटेड और अनलिक्विडेटेड में क्या फर्क है अच्छे से समझते हैं प्यार मोहब्बत से। मान लीजिए मैं हूं एक नंबर का बेवड़ा, कौन हूं मैं, बेवड़ा, सही में नहीं हूँ सालो, नहीं तो कल से बेवड़े सर गुड मॉर्निंग, सच में नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ मैं बेटा, छूता तक नहीं मैं शराब को, सीधा पीता हूँ, मेरा मतलब है छूता तक नहीं। एनीवे ठीक है, तो नाउ ध्यान देना पीपल, तो मैं हूँ मान लीजिए एक नंबर का कौन, बेवड़ा, और तुम हो दारू के सप्लायर बहुत बड़े, कौन हो तुम, दारू के सप्लायर। मैंने कहा बेटा सुनो, मैं कहा बेटा मेरे को 1 साल तक रोज एक बाटली रात को लाके देना, 1 साल तक रोज कितनी बाटली, एक, बस ज्यादा नहीं, एक नीप दे देना, नीप मतलब 180 ml, बस खुश हूं मैं उतने में। ब्रांड मैंने बोल दिया, टीचर हूं तो टीचर्स ब्रांड, टीचर्स एक ब्रांड आता है विस्की का, ऐसा सुना है मैंने, ज्यादा पता नहीं मेरे को कुछ, छूता तक नहीं क्योंकि अभी ध्यान देना। एनीवे सुनाओ, टीचर्स एक ब्रांड आता है, तो मैंने कहा मेरे को एक टीचर्स ब्रांड 180 ml डेली का, ठीक है, बस इतना काफी है मैंने कहा, उससे ज्यादा नहीं मैंने कहा। तुमने कहा ठीक है सर ला देंगे, 1 साल तक, मैंने 1 साल के पैसे दे दिया। मैंने कहा अगर तुमने बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अगर तुमने क्या तोड़ा है, ब्रीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो तुम्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे एज अ डैमेजेस। क्या देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए एज अ डैमेजेस। तुमने कुछ दिन पिलाया, मैंने कुछ दिन पिया, एकदम से तुमने दारू सप्लाई करना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों भाई, तो बोले नहीं सर, आप हमारे सर हो, हम सर सर को दारू बेचेंगे, हमारे मॉरल में, हमारे धर्म के खिलाफ है ये सर, सर हमारे धर्म के खिलाफ है, हम आपको दारू नहीं बेच पाएंगे सर। तो अब मेरे को बताओ हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था, कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 10 लाख, तो आपको मुझे अब कितने देने हैं, 10 लाख। इसे कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज, बोलो क्या कहते हैं इसे, आवाज नहीं है, क्या कहते हैं इसे, लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब जो पहले से डिसाइडेड है, पहले से जो डिसाइडेड है ना उसे कहते हैं लिक्विडेटेड। हाउ मेनी ऑफ यू वॉच बिग बॉस, बिग बॉस सलमान खान वाला देखते हो क्या, बहुत अच्छा काम करते हो पता है, बहुत अच्छा काम करते हो। एक होते हैं निकम्मे, एक होते हैं महानिकम्मे, फिर आते हैं बिग बॉस देखने वाले, पता है आपको,
ठीक है, कुछ लोग दिखते हैं तो भैया अभी भी सुधर जाओ, समय है। ठीक है, काजल मैम वैसे बहुत दिखती है, ठीक है, उनको बताना मत मैं ऐसा बोल रहा था। उनके वो काजल मैम फैन है सलमान खान की, 19 तारीख को आएगी ना काजल मैम, बताना मत शुभम सर ने ऐसा बोले कि आपको निकम्मा बोले, ऐसा मत बोल देना भाई, पता चला गड़बड़ उल्टा लेने के देने। बट एनी वे, नो ध्यान देना। सो अब बिग बॉस अगर आप देखते हो, ठीक है ना, बाई चांस मान लो, ठीक है, अगर आप देखते हो बिग बॉस, है ना, चारू कहती है सर इतना मत घूम में आओ, दिशा पटानी से कब कब तुम मिलोगे, क्या लिख रहे हो बेटा। अच्छा अभी सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। सो नाउ बड़ी 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 बड़ी, जितने लोग बिग बॉस देखते हैं, बिग बॉस में एक रूल है पता है आपको, कि जो लोग बिग बॉस के हाउस में चले गए घर पे, उनको अगर निकलना है तो बिग बॉस जब चाहेगा तभी निकल पाओगे, खुद से निकलोगे तो 1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। कितने? 1 करोड़। जो ये 1 करोड़ पहले से डिसाइडेड है, तो ये कौन से डैमेजेस हो गए बताओ? लिक्विडेटेड। एग्जैक्टली, कौन से डैमेजेस हो गए? ये लिक्विडेटेड। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। बोलो हाँ या ना। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है? अरे बोलो यस और नो। तेरा नाम क्या भाई? जतिन। मैंने जतिन को कहा, मैंने कहा भाई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, कहते हैं हाँ सर करता हूँ। मैं कहा भाई मेरे को ना रोज नई नई चड्डी पहनने का शौक है, पुरानी नहीं, मैंने कहा मैं रोज नहीं पहनता हूँ, तो मैंने कहा मेरे लिए तो रोज रूपा की चड्डी लेके आएगा। किसकी? रूपा। तो ये रूपा के घर चला गया था। अब मैं रूपा ब्रांड की बोल रहा था, किसकी बोल रहा था? रूपा ब्रांड की। ये किसके घर चला गया? रूपा के घर। रूपा से मांग रहा है गधे कहीं गए तेरे को, मैंने कहा था रूपा एक ब्रांड होता है वो वाली लाना, ये गधा रूपा के घर चला गया बताओ। मतलब कॉमन सेंस बेच दिया तूने बताओ, सीएसओ के सीएसओ होना चाहिए ना। बट एनीवे, मैंने उसको कहा था कि अगर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो तेरे को 50 लाख देने पड़ेंगे। अब एकदम से ना उसने 2 दिन दिया, तीसरे दिन से देना बंद कर दिया। तो मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, 50 लाख देने पड़ेंगे ना इसको, तो वो कौन से डैमेजेस हो गए? लिखो, जो पहले से डिसाइडेड होते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जो पहले से डिसाइडेड होते हैं उसे क्या कहते हैं? लिक्विडेटेड। अरे बोलो हाँ या ना। ईशा कहती है सर समझ नहीं आया। ईशा जी, जो पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं कि अगर से आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इतने पैसे देने ही पड़ेंगे, उसे कहते हैं लिक्विडेटेड। क्या कहते हैं बेटा? लिक्विडेटेड। और जब आप पहले से डिसाइड नहीं करते, जब कोर्ट बताता है कितना देना है, उसे कहते हैं अनलिक्विडेटेड। जब कोर्ट बताता है कितना देना है तो उसे क्या कहते हैं बताइए? अनलिक्विडेटेड। फिर से बोलो, जब कोर्ट बताएगा कि कितने डैमेजेस देने हैं तो उसे क्या कहते हैं? अनलिक्विडेटेड। फिर से बोलो, क्या कहते हैं उसे? अनलिक्विडेटेड। जब कोर्ट बताएगा कि कितने पैसे देने हैं उसे हम कहते हैं अनलिक्विडेटेड। बोलो हाँ या ना। ठीक है, जो एकदम सिंपल है, पहले से डिसाइडेड है तो लिक्विडेटेड, कोर्ट बताएगा तो अनलिक्विडेटेड। चलो अब क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर दोगे? दोगे पक्का? चलो ठीक है, देखते हैं कौन आंसर देगा आप में से। एक ना लड़की रास्ते से जा रही थी, है ना, एक लड़की क्या कर रही थी? रास्ते से जा रही थी, अपनी क्लास में नमू है, तो नमू ने क्या किया पता है? लड़की की जा रही थी, सीटी बजा दिया। सीटी बजा दिया, लड़की को लगा छेड़ रहा है, लड़की ने केस कर दी टॉर्ट का। काहे का केस करी? टॉर्ट का। वैसे वो सेक्सुअल हैरासमेंट का भी कर सकती है, बट टॉर्ट का करी उसने केस, कि परेशान किया लड़के ने। तो कोर्ट ने बोला चलो 50,000 का डैमेजेस दो। कितना दो? 50,000 रुपए। तो आपको बताना ये लिक्विडेटेड है कि अनलिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड कि अनलिक्विडेटेड, कौन से? अनलिक्विडेटेड। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने बताया। किसने बताया? कोर्ट ने। जब पहले से पार्टीज डिसाइड कर लेती है कि इतने ये हुआ तो इतने देना है, ये हुआ तो इतने देना है, लाइक आपने क्लास लगाई, हमने कहा कि अगर हमने आपको बीच से पढ़ाना छोड़ दिया तो 1 लाख रुपए का डैमेज देंगे, तो ये कौन से होगा? लिक्विडेटेड। जो पहले से डिसाइड होते हैं वो कौन से होते हैं बेटे? लिक्विडेटेड। लेकिन टॉट में कभी पहले से डैमेजेस डिसाइड होते ही नहीं है, कभी हम डिसाइड करते हैं मैं तेरे को चिमटी मारा तो 1,000 रुपए दूंगा, पहले से कभी डिसाइड ही नहीं होते टॉट में। तो हमेशा याद रखना टॉट में कौन से डैमेजेस मिलते हैं बाबू? अनलिक्विडेटेड। बोलो कौन से मिलते हैं बाबू साहब? अनलिक्विडेटेड। फिर चलो कौन से मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड। टॉट में हमेशा याद रखना अनलिक्विडेटेड। कोई कह रहा है सर 30 डेज का टाइम टेबल फॉलो करें कि लाइव लेक्चर्स देखें? बेटा लाइव लेक्चर्स भी देखो आप साथ साथ में, और वो अगर साथ साथ किसी को फॉलो करना है तो वो भी कर सकते हो, बट लाइव लेक्चर इज मस्ट। लाइव तो देखो ही देखो साथ साथ में, ठीक है? काजल जी को समझ नहीं आया था, आई होप सो समझ में आ गया, बराबर है? एकदम सिंपल है, सभी को समझ आ रहा है। चलो वंडरफुल। टॉट में कौन से डैमेजेस मिलेंगे जल्दी बोलो? अनलिक्विडेटेड। फिर से कौन से बेटे? मतलब कोर्ट बताएगा, कौन बताएगा? कोर्ट। अरे हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। समझ आ रहा है? पक्की बात है। मेरे घर एक अंकल आए हुए थे, कौन आए हुए थे? अंकल।
धोती पहन के। मेरे यहाँ एक कुत्ता है, मेरे यहाँ क्या है, कुत्ता। कुत्ता का नाम है ब्रूनो। क्या नाम है? ब्रूनो। ब्रूनो ने क्या किया, अंकल की धोती खोल दिया। ब्रूनो ने क्या किया, अंकल की धोती खोल दिया पूरे। बेचारे अंकल, हमारा ब्रूनो। अब अंकल ने मेरे पे टॉर्ट का केस किया, कुत्ता मेरा है तो मेरे पे केस किया टॉर्ट का। किसी ने बोला था इसको ब्रूनो छू, क्या बोला था, ब्रूनो छू। ब्रूनो ने धोती तो खोला खोला, अब आगे नहीं बोलता, छोड़ो है नहीं। अभी ध्यान से सुनना तो ना। अब कोर्ट ने बोला इनको 25,000 का डैमेजेस दो। क्या बोला कोर्ट ने, 25,000 का डैमेजेस दो। ये किस में आ जाएगा, अनलिक्विडेट। आई होप सो आपको समझ में आया कि भैया टॉर्ट में हमेशा कौन से डैमेजेस मिलने हैं, जल्दी बताओ, अनलिक्विडेटेड। बोलो हाँ या ना। अरे बोले यस सर नो। चलिए वंडरफुल पीपल, अब ध्यान से सुनना। टॉर्ट कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना टॉर्ट नहीं होता, वो अलग से उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसको हम टॉर्ट में नहीं डालते। मतलब मान लीजिए मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और तोड़ दिया, तो वो टॉर्ट नहीं होता, उसका अलग लॉ है, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बोलो क्या बेटे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना टॉर्ट में नहीं आता ना जी ना। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना टॉर्ट में आता है क्या बताओ, ना जी ना। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना टॉर्ट। मेरे घर लड़की वाले आ रहे थे मेरे को देखने के लिए। लड़की वालों ने पहले कहा था हम समोसे खाएंगे, हमको फेवरेट है हमारे समोसे। क्या खाएंगे, समोसे। समोसे नहीं मिले तो रिश्ता नहीं होगा। मैंने दुकानदार को बोला भैया 100 समोसे ला देना, ससुर खाएंगे 40, सासू खाएंगी 40, और बाकी के 20 जो हो लड़की देखने आ रही है वो खाएगी समोसे, 100 समोसे ला देना। मैंने कहा, दुकानदार ने कहा ठीक है, टाइम बता दिया। दुकानदार ने समोसे ही नहीं लाया। लड़की वाले देखने तो आए बट रिश्ता कैंसिल करके चले गए। बोला लड़का समोसा नहीं खिला सकता क्या, खाक पेट पालेगा हमारी बेटी का, तो बेचारे रिश्ता तोड़ के चले गए वो। अब ये मेरे को था, ये टॉर्ट है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। समोसे वाले के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर सुनो क्या, कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मैं तेरे लिए ये करूंगा तू मेरे लिए ये करना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम मुझे पैसे देना, मैं कार लूंगा तुमको पैसा दूंगा, ठीक है, ये दो लोग का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो और सामने वाली कोई पार्टी परफॉर्म ना करे तो वो टॉर्ट नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। फिर से बोलो क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। फिर से बोलो क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। वंस मोर, व्हाट बडी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ टॉर्ट। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जब कोई क्लास में पढ़ा रहा हूं तो कई बार मैं अपनी वाइफ के एग्जाम्पल दे देता हूँ, बराबर, गर्लफ्रेंड के एग्जाम्पल दे दूंगा, तो क्लिप रिकॉर्ड करके मेरी वाली को भेज मत देना भाई, नहीं तो पता चला तुमने लेने के देने करा दिए मेरे। है 27 नवंबर को मेरी शादी है, ठीक है ना जी। अच्छा निधि कौन है, बच्चे कहते हैं निधि, बेटा है नहीं, थी निधि, है नहीं, कौन थी, ठीक है बेटा। ये देखो ऐसे दिन आ गए, सर को पूछ रहे हैं एक्स के बारे में, सर की ऐसे स्टूडेंट हैं आजकल, हमारी हिम्मत नहीं होती सर से पूछने में, सर वो कौन दिया, सर बताओ सर। योगा वाले टीचर को वही पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि सर आप वो इंग्लिश वाली मैडम पे लाइन क्यों मारते हो। बच्चों को देखो इनको, निधि कौन थी, निधि कौन थी, हद है मतलब। चलिए एनीवे, नाउ ध्यान देना पीपल, नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। विश्वास तोड़ना टॉर्ट नहीं होता। क्या तोड़ना, विश्वास। विश्वास तोड़ना टॉर्ट में नहीं होता। मैंने एक लड़की को बोला था शाम को 7 बजे चाय पे मिलेंगे, ठीक है, शाम को 7 बजे बाबा टपरी के सामने चाय पे मिलेंगे। कौन सी टपरी, बाबा टपरी में चाय पे मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, चाय पे मिलेंगे जानदार, तुम्हारे को तुलसी अदरक वाली चाय पिलाऊंगा मैं। उसने कहा ठीक है 7 बजे आ जाऊंगी मैं। 7 बजे बारिश बहुत थी, भीगते भीगते चाय तक पहुंचा, सड़सड़ाते कपकपाते हुए खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ उसका। मैंने चाय पी लिया, वो नहीं आई, 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, नहीं आई, 8 हो गए, नहीं आई, 8:30 हो गए, नहीं आई, 9 हो गए, नहीं आए, ठीक है, 10 हो गए, नहीं आई। फोन भी मेरा स्विच ऑफ, आई नहीं बंदी। फिर फोन किया रात को 12 बजे, तुम आई नहीं, कहती है इट्स माय चॉइस। क्या कहती है वो, इट्स माय चॉइस कहती है वो, मेरी मर्जी है बोलती है, ठीक है, यू डिजर्व समवन बेटर देन मी कहती है, यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। अब मेरे को बताओ उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ी है। क्या तोड़ी है उसने मेरा ट्रस्ट, क्या ये टॉन्ट है, ना ना। विश्वास तोड़ना टॉर्ट होता है, ना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना टॉर्ट होता है। बोलो क्या तोड़ना टॉर्ट नहीं होता, ना ही विश्वास तोड़ना, ना ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। फिर से बोलो क्या बड़ी,
ना विश्वास तोड़ना टॉर्ट होता है ना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। कोई कह रहा है सर टॉर्ट में सिर्फ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। यस बेटे, टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होंगे। अनुष्का कहती है सर शादी में बुलाओगे ना? हाँ जी बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी ध्यान से सुनना पब्लिक। सो टॉर्ट क्या है एग्जैक्टली, समझते हैं टॉर्ट को। ठीक है, तो एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। बोलो कौन सा एक्ट है? लिमिटेशन एक्ट है। देखो घर में जो है, मैं जब बोलता हूँ बोलो तो बोलना है घर पे। ठीक है, घर वालों को लगना चाहिए तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। चलिए बोलो कौन सा एक्ट है? लिमिटेशन एक्ट। बोलो कौन सा एक्ट है बाबू? लिमिटेशन एक्ट। ये आया था 1963 में। बोलिए कब आया था बेटे? 1963। आवाज नहीं, कब आया था? 1963। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज एम। एक सेक्शन है इसका सेक्शन 2 क्लॉज एम, लिमिटेशन एक्ट 1963 में जो आया था। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज एम। ये कहता है टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है। बोलो बेटे क्या है टॉर्ट? एक सिविल रॉन्ग। Which is not exclusively, मतलब क्या नहीं है tort, which is not exclusively breach of contract or breach of trust. ना ही tort breach of contract है, ना ही tort breach of trust है। फिर से बोलो, ना ही tort breach of contract है, ना ही tort breach of trust है। बात समझ आ रही है? So tort क्या है भैया, बात समझो। tort एक civil wrong है। फिर से बोलो, tort क्या है? एक civil wrong। आवाज नहीं आई, tort क्या है? एक civil wrong। So tort is a civil wrong। बोलो क्या? tort is a civil wrong, which is not exclusively breach of contract or breach of trust। ना ही contract तोड़ना tort होता है, ना ही विश्वास तोड़ना tort होता है। फिर से बोलो क्या? ना ही contract तोड़ना tort होता है, ना ही विश्वास तोड़ना। बोलो हाँ या ना? बोलो यस सर नो। पलक कहती है सर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कोई एक्ट है क्या? पलक जी का दिल टूटा है लगता है, विश्वास टूटा है पलक जी का। कोई एक्ट है क्या सर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए? बेटा कोई एक्ट नहीं है। अगर आपका कोई विश्वास तोड़ता है ना, कानून कुछ नहीं कर सकता उसमें। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो है, शादी का वादा करके तोड़ दे तो है। लेकिन ऐसे मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, ऐसी बस तुमने मुझे इन्वाइट किया था, मैंने कहा आऊंगा, नहीं आया, तुम मेरे पे केस नहीं कर सकते। मेरी वाली ने मुझे बोली थी हम 7 जन्मों तक साथ साथ निभाएंगे। 7 दिन भी नहीं टिकी वो। कितने दिन? 7 दिन भी नहीं टिकी। जैसे ही मैंने बताया कि मेरे पास गाड़ी बंगला कुछ नहीं है, झोपड़ी में रहता हूँ, छोड़ के भाग गई मेरे को। ठीक है ना जी? तो ये मैं केस कर सकता हूँ ना? विश्वास तोड़ना पे कोई केस कोई नहीं बनता। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपका साथ देगा, जिससे कानून में जाके आप केस कर सकते हैं सामने वाले पे, डैमेजेस ले सकते हैं। ठीक है, विश्वास तोड़ने पे कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है जी। विश्वास एक धागे के समान है, टक से टूट सकता है। अरे हाँ या ना? सही बात है कि नहीं? विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है बेटे। तुम्हें मेरे पे विश्वास है कि नहीं? हम पढ़ाऊंगा अच्छे से, है ना विश्वास? तो मेरे पे तुम्हारे मुझे तुम पे विश्वास है तुम पढ़ोगे, तुम्हें मुझ पे विश्वास है कि मैं पढ़ाऊंगा। बस विश्वास पे दुनिया कायम है। अब पढ़ाई करते हैं, आ जाओ, साइंटी हो गए थोड़े से सब। रोना नहीं बेटा सब लोग, हाँ ये पगले हो गए, रोते नहीं। चलिए आ जाओ, ओके आ जाओ। नेक्स्ट बड़ी ध्यान देंगे, आ जाइए। सो टॉर्ट डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज एम। बोलो कौन डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज एम, लिमिटेशन एक्ट 1963। बोलो कौन सा एक्ट है? लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट है 1963 में आया था। उसके सेक्शन 2 क्लॉज एम में ये लिखा हुआ है कि भैया टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। बोलिए क्या लिखा हुआ है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। सो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, जो ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बोलिए ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर से बोले ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यस सर नो। चलिए वंडरफुल पीपल, वंडरफुल पीपल। जितने भी लोग ऑनलाइन आए हैं बेटा, थोड़ा सा अंगूठे को दर्द देके लाइक का बटन ठोक देना बेटा। ठीक है, थोड़ा सा दर्द होगा अंगूठे में, जान सकता हूँ बेटा, पर ठोक देना बेटा। चलिए एनीवे ना ध्यान देंगे, आ जाइए। ओके स्वीटर, अच्छा टॉट आपको समझ आया। चलो कुछ क्वेश्चंस पूछो, आंसर दोगे। चलो एक क्वेश्चन आईसीएसआई का फेवरेट है, बड़ा आता है, बड़ा आता है कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है कि क्रिमिनल रॉन्ग। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सिविल रॉन्ग इज द राइट आंसर। अच्छा आपको आता है कि क्वेश्चन आता है कि टॉट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? रॉन्ग इज द राइट आंसर। टॉट कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ था? लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ था। टॉट कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ था? लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ था। और लैटिन में उसको क्या कहते थे? लैटिन में उसे कहते थे टॉटम। क्या कहते थे? बड़ी टॉटम। और टॉट है कौन सा वर्ड? फ्रेंच। एक बार अपनी पोएम गा दे क्या? चलो पोएम कौन सी थी अपनी? टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम। फिर से बोलेंगे, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड,
इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग ड्राइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम। यस और नो? बोली हाँ या ना। वंडरफुल पीपल, सो लवली। आ जाइए अपना। तीन लोगों ने अपनी अपनी बातें की थी, उनकी बातें भी सुन लेते हैं थोड़ी। चलो आ जाओ यार, ठीक है आ जाओ। तीन लोगों ने अपनी अपनी बातें की थी, थोड़ी इनकी बातें सुन लेते हैं। आ जाओ भैया, फिर बाकी की बातें करेंगे अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट। सलमान भाई। कौन से भाई? सलमान भाई, भाइयों के भाई, बाबा सलमान। कितने लोग को पसंद है सलमान खान? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक सलमान खान? एनीवन? नो? कार्तिक आर्यन कितने को पसंद? लड़कियों का तो फेवरेट होगा। वाह बेटे वाह, गुड। चलिए एनीवे, ऑनलाइन में पसंद है आप लोगों को, क्या बात है, गुड। ओके सलमान भाई ने क्या कहा है? ये सलमान नहीं है बे, सलमान है वो। नहीं तो पता चला एग्जाम में सलमान भाई लिख के आ रहे तो मतलब मार्क करके आ रहे हो। चलिए ओके। तो ये था आपने निधि कंपनी के डैमेजेस लिए। नमू बेटा तू मार खा जाएगा मेरे से, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, नहीं तो घर आके तेरे को वही मार पड़ेगी अब। चलिए आ जाओ सलमान भाई। सलमान भाई, अच्छा सलमान भाई क्या कहते हैं, ध्यान देना। सलमान भाई कहते हैं कि टॉन्ट क्या है? तो कहते हैं टॉन्ट एक सिविल रॉन्ग है। हमने कहा वाह अच्छा हुआ बताया आपने, हमें तो पता ही नहीं था। सलमान भाई कहते हैं इसकी रेमेडी कॉमन लॉ में है। ये अच्छी बात की इन्होंने, इसकी रेमेडी कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब जो जजेस लॉ बनाते हैं। कौन बनाते हैं? जजेस। जब कोई लॉ बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉमन लॉ। मेरे को तो आ गया टॉट। सरकार ने लॉ बनाई है कि जजेस ने? जजेस ने। सरकार ने इस पे कोई लॉ नहीं बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। टॉट एक्ट ऐसा कुछ नहीं है भाई। सरकार ने इस पे लॉ नहीं बनाई, कानून नहीं बनाई सरकार ने, जजेस ने लॉ बनाया। बोलो किसने बनाए हैं? जजेस। मेरे को तो मेरे साथ टॉट को मैं किसके पास जाऊंगा, मम्मी के पास कि कोर्ट के पास? कोर्ट के पास। और क्या बोलूंगा कोर्ट को? त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ कोर्ट बचाओ, मेरे साथ टॉट हुआ है। अरे हाँ या ना। सो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, कोर्ट को बोलूंगा मेरी सहायता करो। क्या करो? मेरी सहायता। और कोर्ट मेरी सहायता करेगी, जजेस मेरी सहायता करेंगे, उसे कहते हैं कॉमन लॉ। इसकी रेमेडी मतलब उपाय, मतलब जब आपके साथ गलत हो जाएगा तो क्या रेमेडी है, क्या उपाय है? एक ही उपाय है, कोर्ट के पास जाना, और उसे कहते हैं कॉमन लॉ। क्या कहते हैं बेटे? कॉमन लॉ। अच्छा इसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं कि अनलिक्विडेटेड? इसमें मिलते हैं चाचू अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बोलो कौन से डैमेजेस मिलते हैं चाचू? अनलिक्विडेटेड। इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। अच्छा टॉट कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या नहीं है? इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली, मतलब नहीं है। क्या नहीं है टॉट? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी टॉट नहीं है। टॉट नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। फिर से लो, क्या? टॉट नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अरे बोलो हाँ या ना। सर टॉट एक लिमिटेशन एक्ट 1963 है क्या? बेटा टॉट यहाँ पे डिफाइन किया गया कि क्या है, ये एक्ट में ना इसके सेक्शन 2 क्लॉज एम में बताया गया कि टॉट क्या है। एक लाइन लिखी हुई है बस कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है जो नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फिर सलमान भाई ने क्या कहा? टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कहां पे है बेटा? कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब कौन सा लॉ? जो जजेस बनाते हैं। अच्छा टॉट क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? ना जी ना। क्या टॉट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? ना जी ना। टॉट नहीं कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। क्या है नहीं कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन? सर ये क्या होता है सर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन? व्हाट इज दिस सर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन? सर व्हाट इज दिस सर? मैंने खाना मंगाया, मैंने क्या मंगाया? खाना, ठीक है। मैंने मंगाया दाल मखनी रोटी चावल, ठीक है। दाल मखनी रोटी चावल पसंद है आपको? दाल मखनी पसंद है? नहीं पसंद? पसंद है? नहीं पसंद दाल मखनी? यहाँ पे यहाँ पे महाराष्ट्र में दाल मखनी बनाते नहीं आती लोगों को, यहाँ पुणे में तो आती नहीं बनाते ढंग की बना दाल मखनी। सीरियसली सिर्फ एक जगह है यहाँ पे, एक रंगला पंजाब रेस्टोरेंट, वहाँ अच्छी है, बाकी तो नहीं। अच्छा एनीवे ना ध्यान देना। सो मैंने मैंने ना दाल मखनी मंगाया, रोटी और चावल घर पे पार्सल, उसने बाजू वाले घर दे दिया गलती से डिलीवरी बॉय ने, और बाजू वाला खा के तन हो गया। उसको लगा किसने गिफ्ट भेजा है। मैं जोमेटो पे बोला भैया मेरा पार्सल तो डिलीवर्ड दिखा रहा है, मैंने कहा तो है ही नहीं, तो बाजू वाले के घर गया मैं। मैंने कहा यहाँ पार्सल आया था क्या कोई? अच्छा वो आपका था? कहते हैं। मैंने कहा हाँ जी मेरा था वो पार्सल। तो कहते हैं वो तो यार हमको लगा किसने गिफ्ट भेजा, हम तो खा लिया वो, हम तो हो गया खा के हो गया वो। अब मेरे को बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं क्या बताओ? मेरे को पैसे मिलने चाहिए उनसे नहीं मिलने चाहिए बताओ? मेरे ऑर्डर के जो मेरे पैसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए बताओ? अरे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए? तो मिलने चाहिए, इसे ही कहते हैं इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं इसे? इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। तो पैसे मिलने चाहिए भाई, पैसे मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए पैसे। लेकिन अगर वो ना दे तो क्या टॉट है? ना टॉट नहीं है।
अगर वो ना दे तो टॉर्ट नहीं है, टॉर्ट में नहीं आता वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनता है, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है वो, हम पढ़ेंगे उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट वो टॉर्ट का केस नहीं बनता। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा चलो, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मेरी ना रास्ते में पड़ी हुई सोने की चेन आपको मिल गई, आपको रास्ते में मेरी सोने की चेन मिल गई पड़ी हुई, ये वाली सोने की चेन मिल गई आपको मेरे रास्ते में पड़ी हुई, तो आपने क्या हुआ उठा लिया उसको, बोले ओए ये तो मोदी सर की है, उठा लिया, लेकिन तुमने वापस नहीं दिया। वापस दिया गया ना, इतने शरीफ थोड़ी हो तुम, तुमने वापस नहीं दिया, बेच के एक नंबर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को घुमा के आ गए, शानदार मूवी भी दिखाए, पॉपकॉर्न खाए, ठीक है, जिंदगी जिए, ऐश किए और गुड बाय टाटा टेक केयर। फिर मेरे को पता चला एक दिन कि यार मेरी चेन तो आपके पास थी, मैं आया आपके पास, मैंने कहा यार मेरे पैसे दो चेन के, पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, तो ये इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, लेकिन ना दो तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये टॉर्ट है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है, टॉर्ट में नहीं आता, याद रखना है ना, इक्विटेबल ऑब्लिगेशन पूरी ना करना टॉर्ट में नहीं आता, टॉर्ट में नहीं आता, फिर से लो, टॉर्ट में नहीं आता, टॉर्ट में आता है नहीं आता, नहीं आता, बोलो यस और नो पीपल, बोलो हाँ या ना पीपल, समझ में आया क्या बड़ी? चलिए वंडरफुल बड़ी, वंडरफुल बड़ी, वंडरफुल बड़ी, वंडरफुल बड़ी, आ जाओ। सो बहुत इजी है, बहुत आसान है। सलमान भाई क्या कहते हैं ध्यान देंगे एक बार सभी लोग, सलमान भाई कहते हैं टॉट एक सिविल रॉन्ग है, बोलो सलमान भाई क्या कहते हैं, टॉट एक सिविल रॉन्ग है, जिसकी रेमेडी कहां पे है, जिसकी रेमेडी कहां पे है, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मतलब कौन सा लॉ, जो जजेस बनाते हैं, इसमें कौन से डैमेजेस मिलते हैं, अनलिक्विडेटेड, आवाज नहीं, कौन से डैमेजेस मिलते हैं, अनलिक्विडेटेड। टॉट ना ही क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ना ही क्या है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ना ही कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन मतलब किसी और की चीज आपके पास गलती से आ जाए तो वापस देनी है, ये इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है, लेकिन ना दो तो ये टॉट है ना जी, ना ये टॉट में नहीं आता। बोलो यस और नो पीपल, समझ में आ रहा है क्या बेबीज, बोलो ना बाबूज, पक्का क्या, 100% क्या? चलो एक बार रिवाइज करेंगे क्या, मस्त तरीके से क्या? चलो अच्छा, बाकी की दो डेफिनेशन है, ठीक है, बाकी की दो डेफिनेशन है वो भी करेंगे हम लोग कल, लेकिन आज जितना पढ़ा है इस बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, और एक नई बात बताऊंगा आज, उसके बाद बाकी की बातें कल करेंगे, ठीक है ना, एकदम स्टार्ट हम लोग स्लो एंड स्टडी लेंगे, उसके बाद में मस्त तरीके से भागेंगे। अच्छा एनीवे, अच्छा कल मैं रात को 10 बजे जूम मीटिंग नहीं ले पाया था, आई वाज फीलिंग सो सिक, है ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई यस्टरडे नहीं, आज पक्का लूंगा, आज आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर, आज बहुत अच्छा, आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज से एंड ऑल, सो आई एम फीलिंग क्वाइट बेटर टुडे, कल थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ठीक है, आज पक्का हम लोग मिलेंगे। चलिए एनीवे, तो ध्यान देंगे पीपल, आ जाइए शुरू करते हैं एक बार वापस से, रिवाइज करते हैं, आ जाओ जाने मन, आज आपका एक रिदम, एक पोयम, आज कोई भी कोई पूछे तो क्या बोलना है बताओ, आज किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम, वंस मोर पीपल, क्या कहते हैं इसको, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम, वंस मोर, जल्दी से बोलिए फिर से, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटम। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, मेरी शादी के संगीत में इसी पे डांस कर लूंगा मैं, क्या कहते हो, बीवी के साथ, आपको पता है बीवी भी एक टॉट है, चोटी चोट देने आती है बस, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्या नहीं है, सो यस ध्यान देना पीपल, सो टॉट इज व्हाट, टॉट इज अ फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश में इसको कहते हैं रॉन्ग, डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, नाम है इसका टॉटा। मीटिंग 10 बजे होगी रात को, मीटिंग कब होगी रात को, मीटिंग कब होगी रात को, 10 बजे, इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, कई लोग कहते हैं एक बार फिर से समझा दो, समझा देंगे यार, कोई बात है क्या, ओके नाउ ध्यान देंगे पीपल, आ जाइए जल्दी से, सो ये समझ में आया, टॉट कौन सा रॉन्ग है, सिविल रॉन्ग की क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल की क्रिमिनल, सिविल की क्रिमिनल, सो टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, याद रहेगा, वेरी गुड पीपल। अच्छा टॉट क्या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ना, लिमिटेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया था, सेक्शन 2 क्लॉज एम, बोलो कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज एम, क्या बोला गया था कि टॉट एक सिविल रॉन्ग है, जो नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बोलो क्या बोला गया था, नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वंस मोर, क्या बोला गया था, जो नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इजी। अच्छा फिर हमने सलमान भाई देखा, सलमान भाई कहते हैं टॉट एक सिविल रॉन्ग है, कौन सा रॉन्ग है, टॉट सिविल रॉन्ग, जिसकी रेमेडी कहां पे है, कॉमन लॉ, फिर सुनो, जिसकी रेमेडी कहां पे है,
कॉमन, आवाज नहीं है, जिसकी रेमेडी कहां पे है? कॉमन लॉ। जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में है, यानी जजेस जो लॉ बनाते हैं उसे हम कॉमन लॉ कहते हैं, ठीक है, जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ में है, इसमें कौन से डैमेजेस मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड। क्या टॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? ना। क्या टॉट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? ना। नहीं कोई इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं व्हाट इज इक्विटेबल ऑब्लिगेशन, सर एक बार फिर से बता दो। फिर से बता देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन बहुत सिंपल है, किसी और के पैसों से तुम रईस नहीं बन सकते, ये बात याद रख लो। अगर तुम्हें किसी की चीज मिल गई रस्ते पे, तुम्हारे घर गलती से आ गई, मैं तुम्हारे घर आया खाना खाने, फोन भूल गया, तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा? अरे तुम्हारा हो जाएगा क्या? गलती से फोन भूल गया तुम्हारे घर, तुम्हारा हो जाएगा क्या? हाँ सर हमारा हो जाए। चुप, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हें वापस देना पड़ेगा। इसे कहते हैं इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। क्या कहते हैं इसे? इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। मैं पान खाने गया था, पान ठेले पे मैं, सॉरी पान नहीं होता, गुटखा होता है, अरे ठीक है मैं पान का इशारा ऐसे करता हूं। तो मैं पान खाने गया था, पान ठेले पे मैं वॉलेट भूल गया, क्या भूल गया? वॉलेट, मेरा वॉलेट भूल गया, तो वॉलेट पान ठेले वाले का हो जाएगा कि वापस देना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। इसे इक्विटेबल ऑब्लिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। और अगर वो वापस ना दे तो ये टॉट नहीं है। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन टॉट में नहीं आता, यही लिखा है। क्या लिखा है? इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली, मतलब नहीं है टॉट। क्या नहीं है? नहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। नहीं टॉट क्या बेटा? इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। बोलो क्या नहीं है टॉट? इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। आई होप सो सभी को समझ में अच्छे से आया। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। अरे यस और नो, कोई कहता है इसलिए हल्दी लगती है शादी के पहले। हाँ शादी कोई बड़ी चोट है इसलिए। चलिए आपकी क्लास है 30 डेज लगेगी बेटा। ये क्लास जो है समझो आप, एक बैच चालू होगी आपकी 19 से फुल फ्लेज, जिसमें सारे सब्जेक्ट शुरू होंगे। 1 अगस्त से नई बैच शुरू होगी जिसमें हम और आगे विस्तार से बढ़ेंगे, क्विज प्लानिंग के साथ में, जिसमें क्विज सेशंस भी शुरू हो जाएंगे। अभी देखो, हमेशा देखो गाड़ी कैसे शुरू होती है, पहले फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ लगता है, बराबर है? सेम ऐसा होगा। पहले 19 तारीख तक आपके 2 सब्जेक्ट शुरू हुए हैं, 19 से आपके सारे सब्जेक्ट शुरू होंगे, 1 अगस्त से आपके सब्जेक्ट्स भी पूरे चलेंगे, क्विज भी होंगे। क्या होंगे साथ में? क्विज। और उसके बाद में आपके टेस्ट सीरीज भी शुरू होगी, फिर आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस, मैराथन सेशंस एंड एवरीथिंग, फिर वो चलता रहेगा। सो मजा आएगी, ओवरऑल समय अच्छा खासा है हमारे पास और मजा आएगा। अरे यस और नो, चारू जी मैं मस्ती में एग्जांपल देता हूँ ऐसे। चलिए ओके सर, हमको इन्वाइट करोगे आप शादी में? जरूर करेंगे बेटा, जरूर करेंगे, 100% करेंगे। झाड़ू पोछा करने वाला कोई तो चाहिए, सॉरी खाना खाने के लिए कोई तो चाहिए। चलिए आ जाइए। एनीवे सो यस पीपल, सर आप परेशान हो गए शादी से? कोई कहता है, अरे नहीं रे भाई मैं मस्ती में ऐसे एग्जांपल देता हूँ बस, बाकी आई एम एक्साइटेड फॉर मैरिज। सर मेरा 19 को बर्थडे है, पूरा दिन पढ़ाई। वेरी गुड खुशी जी, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। बर्थडे के दिन पढ़ाई हो रही है तो साल भर पढ़ाई होगी, ऐसा बोलते हैं ना, बर्थडे के दिन जो करते हैं वो साल भर करते हैं, होता है ऐसा? कुछ भी फालतू बात है, कुछ नहीं होता ऐसा। घर वाले बर्थडे के दिन जो करते हैं वो साल भर करते हैं, अपन सही समझते थे बताओ। न्यू ईयर में भी बोलते हैं। इक्विटेबल ऑब्लिगेशन में सिर्फ मनी की बात होती है, मनी या गुड्स इसकी बात होती है। चलिए आप लोग कमेंट नहीं करते यार लेक्चर के बाद, यार ऐसे मत किया करो यार, कमेंट कंपलसरी है यार, चाहे फिर वो 15 मिनट हो, चाहे मतलब चाहे वो फिर 2 सेकंड में हो, चाहे 4 सेकंड में हो, चाहे 10 सेकंड में हो, एक लाइन का क्यों ना हो या एक वर्ड का क्यों ना हो, कमेंट करना सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। चलो गाना सुनाओ एक प्यारा सा। सृष्टि जी वो देखो सबूत गवाह, वहां सबसे उसको प्रूव करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, वंडरफुल पीपल, तो अभी सुनो मेरी बात ध्यान से सभी लोग दोस्तों, ये वाले नोट्स मैं आपको सेंड करवाऊंगा, यहां से आप लोग कर लोगे। चलो अब मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, फिर आज के लिए डन करते हैं, फिर मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ग्रुप पे डालूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे रोज के मैं कुछ क्वेश्चंस डालूंगा एमसीक्यू, वो आपको डेली टू डेली सॉल्व करने हैं। अगर आप टेलीग्राम पे ऐड नहीं हो तो हो जाओ, ठीक है। चलो कुछ गाना सुनाओ, कौन सा गाना सुनाऊं बोलो? हाँ तेरी हो गई यहाँ, मेरे को नहीं आता ये, अबे तो आना तो चाहिए मेरे को, तुम आएगा नहीं तो कैसे गाऊं? शायद सुनाओ, चल शायद सुना देता हूँ, ये भाई कह रहा है शायद सुना दो, शायद सुना देते हैं, चलो। शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन
मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, आंखों को ख्वाब देना खुद ही सवाल करके, खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम काम करना जाना कहीं हो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। चलिए, बाय पीपल, टेक केयर पीपल, मिलेंगे पीपल कल पीपल, थैंक यू सो मच, बाय। एंड आई एम फाइन नाउ, अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, तो आई विल बी टेकिंग जूम मीटिंग टुनाइट, ठीक है? कल नहीं हो पाई थी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आज पक्का होगी, रात को 10 बजे, 10 बजे, 10 बजे फॉर नवंबर बैच स्टूडेंट्स। जुलाई बैच वालों के लिए जो जूम मीटिंग है वो होगी शाम को 7:30 बजे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच पीपल, बाय। ओके, बाय पीपल, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, टाटा। चलिए, टाटा बड़ी, टेक केयर बड़ी, टाटा, बाय।